अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ईद मुबारक हो। सबसे पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि यार थोड़ा सा ना ईद पे ना ईद मेकअप लुक बना देना। उनको ये नहीं पता है कि मुझे मेकअप का टी भी नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़े बहुत लोगों ने फरमाइश की, ज़्यादा नहीं करी, लेकिन मैं सोचा ठीक है एक बार थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है। तो जितना आता है मैं आपको उतना बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मुंह धोती हूँ। तो फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले बाल को या तो अच्छे से जूड़ा बना लेती हूँ या तो फिर क्लचर लगा लेती हूँ। कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ड्रेस पहनने के पहले ही मेकअप कर लेते हैं, रोब पहनते हैं पहले और उसके बाद मेकअप करते हैं। लेकिन मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं कपड़े पहनने के बाद ही मेकअप करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो लोग जब भी मेकअप की वीडियोज़ डालते हैं तो पहले ही मेकअप करते हैं, बाद में कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं पहले से ही कपड़े जो मुझे पहनने में पहन के बैठी हूँ और उसके बाद अब मैं मेकअप करूँगी। इसलिए मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं आता है, तो मेरे को जज नहीं करना। मैं पहले ही बोल रही हूँ ना, प्लीज़ मेरे को बिल्कुल जज नहीं करना, रो दूँगी मैं अभी यहीं पर। जनरली मेरे लिए मेकअप का मतलब होता है लिपस्टिक और काजल, लेकिन ऑन स्पेशल ओकेजंस लाइक मे बी ईद या बर्थडे या एनिवर्सरी मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन भी। और अगर शादी में जा रही हूँ तो भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ विद प्राइमर। प्राइमर एंड फाउंडेशन मिक्स करती हूँ मैं। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता है, तो जस्ट आई एम जस्ट टीचिंग यू वट एवर आई डू। या मतलब जस्ट आई जस्ट लाइक बिना मेकअप वाला लुक, नेचुरल लुक थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे। और मुझे तो समझ भी नहीं आता कि कैसे इतना मेहनत कर लेते हैं लोग मेकअप पे। मुझसे ना इतनी मेहनत होती ना मैं इतना कर सकती हूँ। मुझे नेचुरल कॉम्प्लेक्शन पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही कम ये सब यूज़ करती हूँ। लेकिन क्योंकि आज ईद है इसलिए स्पेशली आपके लिए मैं ये बता रही हूँ। मैं ये वाला लगाती हूँ, व्हाट इज दिस फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था 2 साल पहले और आज तक चल रहा है। सीरियसली बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ये वाला फाउंडेशन मैं लगाती हूँ। आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। मुझे मैं जो ये ब्रांड यूज़ करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह। कैसे मिलते मुझे पैसे, लेकिन तुम लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते ना, इस चक्कर में मुझे गाना पड़ता। कुछ भी लगाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ कोई से फाउंडेशन लगा सकते हो, मैं ये वाला लगाती हूँ। तो ये देख लो, इसको सबसे पहले निकाल लूँगी। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कि वो मेकअप ब्लॉगर्स नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसे दिखाते हैं। बहुत फनी लग रहा है मुझे आज, क्योंकि आदत नहीं है ना कभी ऐसा बनाने की, एक्सपीरियंस भी रहेगा। खैर, तो ये मैंने थोड़ा फाउंडेशन निकाल लिया है, ज़्यादा नहीं निकाले जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना सही निकाला ये। और अब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेकअप में, मुझे लगता है ये कम्प्लीटली अपने आप में ही मेकअप है, प्राइमर। मतलब कोई सा भी प्राइमर जो आप यूज़ करें, ये आप देख सकते मैं कौन सा लगा रही हूँ, किस ब्यूटी करके नाम है इसका, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ, पता नहीं मुझे कौन सा ब्रांड है यार, मुझे नहीं पता यार, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मुझे सबसे पसंद है ये, ऐसा लगता है कि ये लगा लिया कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। और ये भी मैंने शादी के टाइम भी खरीदा था, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। शादी के पहले तो मैं सिर्फ काजल लगा के खुश हो जाती थी, अब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे स्कूल में कुछ 4 टीचर्स थे, उसमें से एक जसलीन थी। उस बेचारी ने तो पूरा लिस्ट बनाया था मेरे लिए, फाउंडेशन, मस्कारा, काजल लाने शादी के बाद तो तैयार होना करके ये वो। सॉरी जसलीन, मैं अभी भी वैसी हूँ यार, मतलब फिर भी। लेकिन तुम्हारे कहने पर ना मैं थोड़ा बहुत ये प्राइमर लगा रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में प्राइमर लगाया शादी के पहले का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइमर। मुझे लगता है अपने आप में ये लगा लो तो दो, मेकअप करने के पहले सेट करने के लिए लगाते हैं, और मेरे लिए ये अपने आप में ही पूरा मेकअप है। मुझे इतना पसंद है प्राइमर। देखो थोड़ा सा देख लूँ मैं, देखो आप थोड़ा सा ज़रा सा। और उसके अलावा जो मैं पहले भी करती थी वो ये करती थी मैं कि मैं बोरो प्लस लेके लगाती थी, बोरो प्लस और थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती थी। अब मैं प्राइमर ऐड करती हूँ, और ये करती थी मैं शादी के पहले। अगर बोरो प्लस नहीं है तो हम नीविया भी लगा सकते हैं, ज़रा सा ज़्यादा नहीं। बोरो प्लस में मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फाइंग लगता है बहुत, ऐसा लगता है जब फेस वॉश करते हो तो चेहरा थोड़ा खिचखिच जाता है ना, तो वो नहीं होता बोरो प्लस लगाने से। तो मैं बोरो प्लस लगा चुकी हूँ और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। मेरा तरीका यही है लगाने का। मैंने मुझे वैसे मेकअप वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है, देखती बहुत हूँ मैं, करती कुछ नहीं। अब मैं ये लगा रही हूँ ऐसे ऐसे करके, मैं लगाती हूँ अपना 3 चीज़ों का मिक्सचर। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी नॉलेज ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी है कि क्या बोलते हैं, कुछ लोग को मैंने देखा है वो सिर्फ चेहरे पे लगा लेते हैं और पूरी स्किन जो बाकी है बिल्कुल भूत बने रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें, चेहरे के साथ साथ अगर आपका थोड़ा सा गले पे लगाएं, थोड़ा सा पीठ पे लगा लें, थोड़ा सा हाथ पे लगा लें, जितना आपका बॉडी दिख रहा है स्पेशली अपर पार्ट, उतना तो आपको मेकअप लगाना ही चाहिए। इतनी नॉलेज है मुझे।
क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैं बिल्कुल भी इज्जत से ऐसे करके नहीं दिखाऊंगी, बहुत ही हल्के हाथों से मुझसे नहीं होगा है, ठीक है? लगाया ना तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ तुम्हारे लिए, जैसे मैं रियल में लगाती हूँ वैसे पट 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 लगा रही हूँ। अब मेरे को समझ में आ रहा है एक्चुअली मैं ये लोग ना पहले क्यों लगाते मेकअप बाद में कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अपने कपड़ों पे लग जाता है यार। लेकिन क्या बोलूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है अपने लिए, खुद के लिए। थोड़ा बहुत हाथ में लगा लेंगे और थोड़ा बहुत ऐसे चेहरे पे लगा लेंगे। ऐसे नेचुरल कितना अच्छा लगता है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ता तुमको ना, हल्का फुल्का लगाओ यार। लेकिन मैं मेकअप आर्टिस्ट से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद नहीं लगाती लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके भी रीज़न है क्योंकि यार सबका नेचर अलग अलग होता है ना। अब आप किसी को नेचुरल अच्छा लगता है मेरी तरह, किसी को मेकअप में अच्छा लगता है, किसी को उसमें कॉन्फिडेंस है, किसी को इसमें कॉन्फिडेंस है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए मेकअप वालों को। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह बहुत भर भर के किसी भी ओकेजन में बहुत बिल्कुल हैवी मेकअप कर लेते हैं, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। मुझे लगता है ओकेजन के हिसाब से अपने मेकअप करना चाहिए यार। मैं कभी भी आज तक पार्लर नहीं गई मेकअप करवाने के लिए। हाँ, शादी के दिन गई थी बस, शादी के दिन मैं पहली और आखिरी बार गई थी अभी फिलहाल पार्लर मेकअप के लिए स्पेशली। जनरली मैं ऐसे ही घर में हल्का फुल्का सिंपल सा सोफा सा कर लेती हूँ। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है काजल। आजकल काजल लगाने में मुझे पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ना स्किन पे काजल पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी ये 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि ये ना यहाँ पे काजल लगाने के बाद ना किसी, अभी स्किन है नॉर्मल लिख रही है ना थोड़ी, एटलीस्ट काजल लगाने के बाद थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, समझ लो। पता नहीं काजल निकल रहा होता है, अच्छी क्वालिटी का काजल है, ऐसा नहीं है ब्लैक में है, या तो फिर मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, या तो डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ गए हैं, समझ नहीं आता मुझे। आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि क्या करना चाहिए काजल लगाने के बाद यहाँ पे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर लगेगा ना तो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के देखती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये काजल लगाया जाए, काजल भी मैं हल्का लगाती हूँ, वैसे मुझे आँखों का मेकअप पसंद है लेकिन सिर्फ देखना, बड़ा एडमायर देम यार, लाइट चली गई यार, क्या यार लाइट चली गई, तो लाइट जा चुकी है और आई होप आप मुझे देख सकते हैं। वैसे भी मैं इतनी रोशनी में नहीं बैठी थी थैंकफुली, अभी भी खिड़की के ऑपोजिट बैठी तो ज़्यादा फर्क नहीं आया। चलिए काजल लगाने के बाद मैं लगाती हूँ लिपस्टिक रेनो 5 in 1, इसका रिव्यू मैंने लगाया था, एक बार देखना पड़ू अच्छा लिपस्टिक है इसका, ये वाला शेड लगा रही हूँ मेरा फेवरेट, चलिए इसको फटाक से लगा लेता हूँ। लिपस्टिक लग गई है थोड़ी सी, जब ज़्यादा लग जाती है ना तो मैं ऐसे 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 लेकर ऐसे ऐसे कम कर लेती हूँ शेड, तो टिश्यू पेपर लेके थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, लेकिन ये ठीक है तो मैंने इतना सा निकाल लिया है और इसको ही मैं ऐसे आंखों के ऊपर जितना आता करती हूँ यार, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं आता। थोड़ा सा यहाँ, मुझे पता भी नहीं सही है कि नहीं एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग नॉट लाइक यू। पसीना आ रहा है यार, लाइट नहीं है ना, थोड़ा सा लेके फाउंडेशन यहाँ पे ऐसे करके अपन लगा लेंगे। नहीं है मेरे पास ब्रश, डन 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 डन, अब बाल सेव करना है बस। वैसे मेरी एक फ्रेंड है वो भी यूट्यूबर है, क्लासमेट थी मेरी स्कूल से, वो मेकअप के बहुत अच्छे वीडियोस आती है, अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी, क्योंकि जिसको जो आता है उसी से वो सीखा जाए तो ठीक है ना, जिसको नहीं आता उससे सीखने से अच्छा है जो प्रो है। आई होप आई बिकम प्रो वन डे, मगर मुझे इतनी रिग्रेट्स नहीं है। मुझे लगता है कि मेकअप स्किन को बहुत ख़राब भी कर देती है, चाहे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों ना, तो बिल्कुल नेचुरली पसंद है, लेकिन उसको बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। मैं उसकी एक मेकअप की वीडियो शेयर कर देती हूँ नीचे, आप देख लें, आपको अच्छी लगे तो आप उसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ ट्रेचर, क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ नहीं आता बाल में लग पाने के लिए, मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर लगाऊँगी ट्रेचर बाबा, इयररिंग्स पहना दो।
आज तो बाजरे के सट्टे पे रील्स बना बना के पागल कर देना सबको। तैयार होने के फौरन बाद में गई तन्नू के घर, उसको सेवैयां दी और सेल्फीज ली। ज्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि फिर मुझे जाना था ससुराल। अब हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल। ससुराल जाके मैंने नए नए फिल्टर्स ट्राई किए बच्चों के साथ और बस उनको रिकॉर्ड किया और एंजॉय, क्योंकि ईद है तो मुझे ईदी भी मिली अम्मी अब्बू से, हाफिज साहब से, बाजी से और शहनाज भाभी से। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है अम्मी माय मदर इन लॉ। क्या अम्मी ये देखिए क्या अगले दिन हम गए शिजी के यहाँ, जो कि मेरी खाला भी हैं और चाची भी। तो ये अमेजिंग और डिलीशियस छोले और सेवैयाँ जो आप देख रहे हैं ये शिजी की बनाई हुई है, और ये है चिकन 65, 75, 85, 95 जो भी है, ये बनाई है मेरी जेबा आंटी ने, वो भी मेरी खाला हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया बनाता है। साथ ही साथ हमने खाया स्टू और बिरयानी, वो भी शिजी के हाथों का। तो बस नेक्स्ट डे भी हमारा ऐसे निकल गया। उसके अगले दिन मैं तीसरी बार इन्हीं कपड़ों में तैयार हुई ताकि मैं व्लॉग बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। और तैयार होने के बाद मैं गई बड़े पापा के यहाँ और वहाँ पे इतनी अमेजिंग पिक्चर्स ली थैंक्स टू दिस गर्ल। थैंक यू सो मच अमशा फॉर दीज पिक्चर्स। इस साल हमने बहुत सारे रीजंस की वजह से ईद जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे नहीं करी है, मगर सिर्फ जा के मिला है घर वालों से, तो मैंने सोचा उसके लिए भी एक ब्लॉग बनाऊं। और स्पेशली क्योंकि मैंने मेकअप करके दिखाया है इसलिए मुझे बहुत जोश चढ़ा था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अनदर रेसिपी। खुदा हाफिज़।